अब क्योंकि घर मिल गया है तो वक्त है अनपैकिंग का, इसे सजाने का, खुराक जमा करने का और यहां अपना छत्ता बनाने का, जब तक मौसम गर्म नहीं हो जाता और पेड़ों पर दोबारा फूल नहीं आ जाते। और ये सब लाखों साल से चलता रहा है। मधुमक्खियों की जिंदगी से जुड़ी इस गहरी जानकारी को जुटाया था कार्ल वॉन फ्रिश ने, जिन्होंने सबसे पहले इनकी सांकेतिक भाषा को समझा और एक बिल्कुल अलग तरह के दिमाग के साथ संपर्क साधा। आज हम अध्ययन करते हैं मधुमक्खियों के दिमागों का। हम उस खाई पर पुल बना रहे हैं जिसने 50 करोड़ साल से हम दो प्रजातियों को बांट कर रखा था। पर इतने साल बाद भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां ये दोनों प्रजातियां मिलीजुली महसूस होती हैं, जैसे खेती, आर्किटेक्चर, भाषा और राजनीति। अब हम